माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, पैरेंटल और चीफ सेल करते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है। बेसिकली मेडुला जो है वो एसिटाइलकोलाइन को रिलीज करके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ये पिछले लेक्चर्स में हमने रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने स्टडी किया। आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के चार बड़े टाइप्स हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है एक म्यूकस सेल है जो म्यूकस को सेक्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? इसमें म्यूकस सेल्स होते हैं, इसका एक टाइप है, जो म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। माय डियर्स, म्यूकस हमारे जो स्टमक के वॉल्स को, जो स्टमक की इनर वाली लेयर्स है उसको जो डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है, प्रिवेंट करता है ताकि हमारे स्टमक की वॉल डैमेज ना हो जाए एसिडिक काइंड से और जो पेप्सिन्स हैं उससे बचाता है ताकि हमारे स्टमक की वॉल डैमेज ना हो। तो म्यूकस का एक लेयर हमारे स्टमक के ऊपर आ जाती है जिससे हमारे स्टमक का वॉल बचता है एसिडिक काइम से। काइम क्या आता है माय डियर्स? काइम मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारे फूड के साथ जब ये गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिल के एक लिक्विड लाइक जो फूड बन जाता है, दैट्स नोन एज काइम। एसिडिक इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मिलके तो वो एसिडिक काइम बन जाता है। तो उसे बचाने के लिए म्यूकस का एक लेयर हमारे स्टमक के ऊपर आ जाती है ताकि हमारे स्टमक की जो वॉल्स है वो डैमेज ना हो सके। माय डियर्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर दूसरा जो एम टाइप्स है वो ऑक्सैटिक सेल्स एंड पैरेंटल सेल्स है। ऑक्सैटिक सेल के नाम से भी आ सकता है, पैरेंटल सेल के नाम से भी आ सकता है। तो इट मींस इन दोनों का एक ही, आप पैरेंटल सेल भी कह सकते हैं, ऑक्सैटिक सेल भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक HCL सेक्रीट करते हैं, दूसरा ये इंट्रेंसिक फैक्टर को सेक्रीट करते हैं। HCL माय डियर्स क्या करते हैं? HCL जो है स्टमक की pH को मेंटेन रखता है जो अप्रोक्सीमेटली 2.0 है, और ये एंटीसेप्टिक है। मतलब आपकी आपने खुराक किया, आपने खुराक लिया, ठीक है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, उसको किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प आउट करता है, यानी उसके अंदर जो जरासीम है उसको मार देता है आपकी खुराक के अंदर। कौन मारता है माय डियर्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCL। और इंट्रेंसिक फैक्टर क्या है जो पैरेंटल सेल या ऑक्सैटिक सेल जो सेक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर? ये इंट्रेंसिक फैक्टर, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन विटामिन B12 के साथ बाइंड होके ये जाके एलियम के अंदर विटामिन की बेहतर ऑब्जर्वेशन कर लेता है, बेहतर ऑब्जर्व कर लेता है। माय डियर्स, एक दफा फिर माय डियर्स मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसके अंदर म्यूकस सेल है जो म्यूकस को सेक्रीट करता है। म्यूकस जो है हमारे स्टमक की जो वॉल है उसको एसिडिक काइम से प्रिवेंट करता है, डैमेजिंग फैक्टर से प्रिवेंट करता है। फिर मैंने आपको बताया ऑक्सैटिक सेल एंड पैरेंटल सेल। माय डियर्स, ऑक्सैटिक सेल्स में HCL है। माय डियर्स, HCL क्या करता है? ये हमारे pH को मेंटेन रखता है जो अप्रोक्सीमेटली 2.0 है। इसके साथ साथ HCL एंटीसेप्टिक है, मींस ये हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, उसको प्रिवेंट करता है। माय डियर्स, एंड देन माय डियर्स जो दूसरा बड़ी एम फैक्टर है माय डियर्स के इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ये विटामिन B12 के साथ बाइंड होके और विटामिन की बेहतर ऑब्जर्वेशन एलियम में करता है। एलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसके हम एलियम कहते हैं, उसमें विटामिन की बेहतर ऑब्जर्वेशन के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर्स काम आता है। लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है, नम्स के टेस्ट में ये आया था कि इंट्रेंसिक फैक्टर कौन रिलीज करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, क्या? तो इंट्रेंसिक फैक्टर स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की एलियम के अंदर करता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर चीफ सेल और जाइमोजिन सेल्स भी है। माय डियर्स, चीफ सेल
एंड जाइमोजिन्स एंड पेप्सिनोजिन को जो है रिलीज करते हैं, सेक्रीट करते हैं, ये पूछा गया है आपसे पिछले जो हमारे पास पेपर के जो एंटी टेस्ट के हवाले से। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पेप्सिनोजिन को कौन रिलीज करता है, तो ये चीफ सेल या जाइमोजिन सेल जो है पेप्सिनोजिन को रिलीज करता है इनएक्टिव फॉर्म में। फिर इसको एक्टिव बनाने के लिए यानी पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCL जो है हेल्प आउट करता है। माय डियर्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म जो है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना ये कौन करता है? HCL करता है। फिर पेप्सिन जो है वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसको पेप्टोन्स में यानी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर लेता है। यानी पेप्सिन जो है प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, जब वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा तो प्रोटीन्स की जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट होगा। माय डियर्स, एंड देन जो लास्ट मैंने लिखा है माय डियर्स, मैं थोड़ा सा कैमरे को स्विच करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। माय डियर्स देखिए, माय डियर्स जो लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल्स है। गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिन को रिलीज करता है। गैस्ट्रिन जो है फिर हमारे फ्रंटल सेल और चीफ सेल की एक्टिविटीज को बूस्ट अप करता है यानी ज्यादा करता है ताकि फ्रंटल सेल और चीफ सेल ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर सके। ठीक है, तो ये चीजें एक दो पॉइंट्स थे, ये आपने याद रखना है। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको यहाँ पे दिखाना जरूर समझूंगा, मैंने दूसरे पेज पे लिखा है कि किस तरह गैस्ट्रिन जो है प्रिंटल सेल और चीफ सेल की एक्टिविटीज को बूस्ट अप करता है। माय डियर्स, मैं उस पेज से आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक दफा इसका एक शॉर्ट रिव्यू दे दूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक म्यूकस सेल है जो म्यूकस को सेक्रेट करता है। माय डियर्स, उसके बाद प्रिंटल सेल या ऑक्सैटिक सेल भी हम इसे कह सकते हैं, ये HCL को सेक्रेट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर। HCL जो है हमारे स्टमक के अंदर pH को मेंटेन रखता है और हमारे एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है, यानी हमारी जो स्टमक के अंदर जो फूड्स है उसके अंदर जो जरासीम है, जो बैक्टीरियाज है उसे किल आउट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है माय डियर्स? इंट्रिंसिक फैक्टर्स ग्लाइकोप्रोटीन है, ये विटामिन B12 के साथ बाइंड होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन की बेहतर ऑब्जर्वेशन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर काम आते हैं। इसी तरह चीफ सेल या जाइमोजिन सेल्स क्या है? ये पेप्सिनोजिन को सेक्रीट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इसको फिर पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCL जो है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है यानी लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कन्वर्ट करके तोड़ करके स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। फिर मैंने ये कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर गैस्ट्रिन एंडोक्राइन सेल्स है जो गैस्ट्रिन हार्मोन को सेक्रीट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है चीफ सेल और पैरेंटल सेल की एक्टिविटीज को बूस्ट अप करता है कि वो मोर जो गैस्ट्रिक जूस है उसको रिलीज कर सके। किस तरह करता है या भी हम अपने दूसरे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। माय डियर्स यहाँ पे मैंने इस पेज के ऊपर लिखा है कि किस तरह गैस्ट्रिक जो है पैरेंटल सेल और चीफ सेल की एक्टिविटीज को बूस्ट अप करते हैं। माय डियर्स, जब आप किसी फूड को देखते हैं, आप किसी फूड को टच करते हैं, आप किसी फूड के बारे में सोचते हैं, सपोज मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कश मैं इस टाइम कड़ी कबाब के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, बिरयानी के बारे में सोच रहा हूँ, किसी और चीज़ के किसी और फूड के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरी जो मेडुला है, मेडुला हमारे ब्रेन के अंदर जो सेंटर है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसे एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। माय डियर्स, एसिटाइल कोलिन जो हमारे मेडुला सेक्रेट करता है माय डियर्स, तो ये जाके स्टिमुलेट कर लेता है पैरेंटल सेल या चीफ सेल को। ठीक है माय डियर्स, जब इसको ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। इसी तरह जो सेंटर ऑफ मेडुला है वो एसिटाइल कोलिन के जरिए यानी एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इसको रिलीज करके ये गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल को भी स्टिमुलेट कर लेता है ताकि ये यहाँ से गैस्ट्रिन को रिलीज कर सके। गैस्ट्रिन जो है फिर अगेन स्टिमुलेट कर लेता है पैरेंटल और चीफ सेल को ताकि वो मोर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करे, ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करे। इसके एक्टिविटीज़ को
बूस्ट अप करने के लिए, ज्यादा करने के लिए जो है एस्टेलकोलीन गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल से गैस्ट्रिन रिलीज करता है और गैस्ट्रिन पेरिस की एक्टिविटीज को मोर बूस्ट अप करता है और ज्यादा करता है। माय डियर्स, इसी तरह आपके स्टमक के अंदर अगर खुराक आएगा, आपके स्टमक की डेस्टिनेशन होगी, फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब भी वो जो है आपके जो मेडुला है वो एस्टेलकोलीन रिलीज करेगा, उससे जो है एस्टेलकोलीन से आपके पैरेंटल और चीफ सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वहाँ से फिर वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। माय डियर्स, मैंने ये बताया कि जब आपके स्टमक से खुराक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है माय डियर्स, तो उसमें जब आपकी स्टमक के अंदर जब खुराक जाएगा स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ग्लैंड्स रिलीज होंगे। माय डियर्स, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं वो आपको बता सकूँ। माय डियर्स, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जो एक दो पॉइंट्स था ये मैंने आपको बताया कि डेस्टिनेशन ऑफ स्टमक, यानी अगर आपका मैदा के अंदर खुराक आएगा तो आपकी मैदा फूलना शुरू हो जाएगा, आपके मैदा के जो वॉल्स है वो फूलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो गैस्ट्रिक जूस मेडुला जो है एसिटाइलकोलीन रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलीन से पैरेंटल सेल और चीफ सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। फिर मैंने ये कहा, असल पॉइंट हमारा ये है कि जब डाइजेशन थोड़ी बहुत स्टमक के अंदर हो जाएगी, जब एसिडिक काइम बनेगा, ठीक है, जो लिक्विड लाइक सॉलिड जो फूड बनेगा, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आएगा, यानी आपके मैदे से जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आएगा, छोटी आंत की तरफ आएगा और ड्यूडिनियम की तरफ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यानी हमारी छोटी आंत का जो पहली वाले जो जो स्टमक के साथ कनेक्टेड है, That is known as duodenum. जब ये acidic kind यहाँ आएगा small intestine के duodenum के हिस्से में, तो यहाँ पे secreted gastric inhibitory polypeptide और cyclocytokinin ये release होगा my dears. जब ये release होगा my dears, तो ये जाके gastrin को inhibit कर देगा. Inhibit gastrin. Gastrin क्या कर रहा था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि gastrin जो है parental और chief cell को बूस्ट कर रहे थे कि भाई और गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करो, ठीक है, लेकिन जब गैस्ट्रिन जो है एनेबिट होगा तो पैरेंटल और चीफ सेल की एक्टिविटीज में कमी आएगी, गैस्ट्रिक जूस में कमी आएगी, तो इस तरह आपका जो गैस्ट्रिक जूस की मकदार है वो ऐसे ऐसा कम होते होते ख़त्म हो जाएगा माय डियर्स। तो इसे निगेटिव फीडबैक भी कहा जाता है, यानी इसने अपोजिट रिस्पॉन्स किया, गैस्ट्रिक जूस को एनेबिट कर दिया, गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है माय डियर्स। एक दफा मैं इस तमाम चीजों को कंक्लूड करूंगा माय डियर्स, इस पेज को हटा के माय डियर्स, यहाँ पे हम अपने पहले वाले पेज पे आए जिसमें हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हमने डिस्कस किया था, किसमें म्यूकस सेल है, म्यूकस सेल जो है म्यूकस को सेक्रेट करते हैं और ऑक्सेटिक या पैरेंटल सेल जो है HCL को सेक्रेट करते हैं। HCL हमारे स्टमक के pH को मेंटेन रखता है जो 2 है। फिर हमने ये कहा कि HCL एंटीसेप्टिक है, यानी हमारे जो फूड्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया है जरासीम है उसको किल आउट करते हैं, उसको मार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि इंट्रिंसिक फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन है जो विटामिन B12 के साथ बाइंड होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एलियम के पार्ट, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी वाला हिस्सा जिसे एलियम कहा जाता है, उसमें बेहतर विटामिन की ऑब्जर्वेशंस करता है माय डियर्स। फिर हमने ये पढ़ा कि चीफ सेल जाइमोजिन सेल्स ये पेप्सिनोजेंस को जो है सेक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म है और इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना HCL का काम है। फिर हमने ये पढ़ा कि गैस्ट्रिन एंडोक्राइन सेल जो भी गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल, ठीक है, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का हिस्सा है, ये गैस्ट्रिन को रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या। फिर मैंने आपको फंक्शन बताया कि गैस्ट्रिन जाके फिर पैरेंटल और चीफ सेल की जो एक्टिविटीज है उसको बूस्ट अप करता है। तो माय डियर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आज के इस लेक्चर्स में, आई होप दैट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को स्टडी करेंगे, तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।